हेलो गेमर्स, वेलकम टू गेमिंग फर्स्ट। तो यार आज की इस वीडियो में हम चलाने वाले हैं अपनी प्यारी सबकी फेवरेट गेम GTA 5 को अपने फोन के अंदर। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा हो भी रहा है, लेकिन इस तरह की बहुत सी फेक वीडियो जो हैं वो बहुत आती हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको कोई ऐसा बेवकूफ बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा देखा जब मेरे पास में PC नहीं था और कंसोल भी नहीं था, तो मैंने कभी GTA 5 खेली नहीं थी, लेकिन मेरा मन बहुत था उसको खेलने का। तो तब मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखता था कि फ़ोन के अंदर कैसे चलाएं, तो बहुत सी ऐसी वीडियो थी वो आपसे कोई भी अंडू झंडू ऐप जो है वो डाउनलोड करवा देती थी और कह भाई इस पे 3-4 गेम खेलो, उसके बाद में आपको जो है GTA 5 यहां पे मिलने लगेगी। तो भाई ऐसा कभी नहीं होता है, और GTA 5 जो है वो एक प्रीमियम गेम है, वो आपको ऐसे ही फ्री में नहीं मिल जाएगी खेलने के लिए। और अगर फोन के लिए बनाएंगे तो कंपनी ही उसको बनाएगी, या फिर आप एक दूसरा तरीका है जिससे आप खेल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट या फिर ऐप ऐसे हो सकते हैं या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि आपको GTA 5 जैसी अगले लेवल की PC गेम्स वगैरह जो है वो फोन पे आपको खिला देते हैं, लेकिन वो गेम्स जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। उसको आपको क्या करना है, वो सिर्फ आपके फोन पे स्ट्रीम होती है और आप उसको कंट्रोल करके खेलते हो, तो आपको वही मजा आता है, लेकिन वो गेम जो है वो रन हो रही है कहीं दूसरी जगह किसी और सर्वर पे, जिससे कि क्या होता है आपके फोन की जो क्वालिटी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक तगड़े लेवल का इंटरनेट चाहिए जो कि हाई स्पीड वाला हो, उससे आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो स्मूथ होगी। तो इस तरह की कुछ अभी जो वेबसाइटें हैं इंडिया के अंदर अभी ज्यादा मशहूर नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर जो है गेमिंग में ज्यादा पैसे लोग खर्च करते नहीं है, बहुत कम पैसे जो है वो खर्च करते हैं गेमिंग पे, और उसमें आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो खरीदनी पड़ती है, तो पैसे देके कौन खेलना चाहेगा। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि सब्सक्रिप्शन लेके उस गेम को खेलना चाहेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ना ही किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है ना कुछ करना है, बस आपको चाहिए एक स्टीम ऐप का अकाउंट और उससे आप अपने गेम को जो है अपने फोन पे प्ले कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के अपने गेम को स्टार्ट करते हैं अपने फोन पे, और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा पूरी तरह इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो को देखना और एक भी स्टेप जो है उसको मिस मत करना, वरना फिर आप बाद में कहोगे कि भाई हमें तो ये चीज पता नहीं है, फिर आप कमेंट में पूछोगे। हालांकि आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा फिर भी, लेकिन जो वीडियो में आपको समझ आ जाएगा वो कमेंट में नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना फोन जो है वो निकाल लिया है, और अब करते हैं शुरुआत अपने गेम को चलाने के लिए। तो सबसे पहले आपको देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसको ऑफलाइन भी बाद में चला सकते हो तो ऐसा नहीं है, आपको जरूरत पड़ने वाली है एक PC की या लैपटॉप की, चाहे उसकी स्पेसिफिकेशन जो है थोड़ी लो हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास फोन होना चाहिए और एक तगड़ा सा कनेक्शन स्पीड यानी कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो होना चाहिए। तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि आपकी जो है प्ले स्टोर पे या किसी वेबसाइट से जैसे कि GTA San Andreas जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको जो है मैं बता रहा हूँ कि स्टीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर PC के गेम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं PC पे खेलने के लिए, लेकिन अगर आपके पास में PC है तो आप PC से अपने फोन के ऊपर आप उस गेम को स्ट्रीम कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपके पास में PC होना जरूरी है, उसके अंदर स्टीम ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लेना, और अपने फ़ोन के अंदर आपको एक ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऐप का नाम है स्टीम लिंक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा गाइज, आपको जो है ओपन करना है ये स्टीम लिंक वाला जो ऐप मैंने बताया था आपको, और जैसे ही ये यहाँ पर अलाउ के लिए मांगेगा इसको आप यहाँ से अलाउ कर देना, और इसके बाद में ये जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गेट स्टार्टेड, तो देखिए यहाँ से इसको कर देंगे हम गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर ये मांग रहा है कि कंप्यूटर जो है कौन सा यहाँ पर दिखा रहा है, तो मेरा यहाँ पर देखो जे चौधरी के नाम से एक कंप्यूटर जो है वो खुला हुआ है। यहाँ पे आपको इसमें जो है क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ से आपको जाना है स्टीम वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद आ जाना है सेटिंग्स पे। तो जैसे ही आप सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिमोट प्ले, तो रिमोट प्ले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर जो है वो रिमोट प्ले यहाँ से इनेबल करना है या नहीं करना है। तो अगर आपका ये इनेबल होगा आपका जो ये ऐप है ना यहाँ पर आपका PC जो है वो दिखाने लगेगा, और अगर आप यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा।
तो इसको जरूर से ऑन करके रखना। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपने फोन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो पीसी है वो आ चुका है, तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में मेरे पीसी के अंदर एक कोड ये वाला जो है ये मुझे उस पीसी के अंदर डालना पड़ेगा 1135, और इसके बाद मैं कर दूंगा कंफर्म। उसके बाद गाइज एक पिन जो है वो हम सेट करके रखते हैं अपने स्टीम अकाउंट में, ताकि कोई भी गलत आदमी हमारे इससे कनेक्ट ना कर ले। तो वो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, वो है 11 और 22 33 44 55। तो इसके बाद हम सिंपली इसको कर देंगे कनेक्ट। तो यहाँ से अपना जो कनेक्शन जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है, और स्पीड आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्शन की स्पीड जो है आप देखो 45 Mbps पहुँच गई है। तो काफ़ी अच्छा नेट की स्पीड है मेरी, इसी वजह से ये कनेक्शन जो है इतनी जल्दी हो जाता है। वरना अगर आप कोई कम स्पीड वाला इंटरनेट यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करे। तो चलिए अब यहाँ से अपनी गेम जो है वो स्टार्ट होगी। अब गाइज यहाँ से आप देख सकते हो अपना जो गेमिंग है वो करनी स्टार्ट हो गई है, और अपनी जो लाइब्रेरी है स्टीम की वो आ चुकी है अपने फ़ोन पे। और यहाँ से आप देख सकते हो कितने सारे गेम्स जो है मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। ये अपना पहले GTA 5 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर GTA 4 है, उसके बाद यहाँ पर BMNG ड्राइव है, उसके बाद यहाँ पर है अपना PUBG। तो गाइज चलिए अब यहाँ पर अपना जो गेम है उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें कंट्रोल के जो सिस्टम है कुछ वो समझाए जा रहे हैं। अब इसमें हम यहाँ पर जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी जो GTA 5 है भाई वो चल चुकी है अपने फ़ोन के ऊपर, और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ सारी चीज़ें आप देख सकते हो। भाई कितना अच्छा लग रहा है यार, जिस गेम को हम इतने दिन से PC और कंसोल में ही खेलते थे अब वो भाई अपने देखो फ़ोन पे भी चल रही है और एकदम मस्त चल रही है, कोई लैग वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ से हम निकलते हैं और ढूंढते हैं भाई कोई गाड़ी वाड़ी, फिर चलाएंगे गाड़ी को भी। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल करने का जो सिस्टम है ना भाई इसके बटन बहुत सारे हैं। अगर वो होता तो देखो यहाँ से किससे चलाएंगे, हाँ इससे चलाएंगे भाई। इसमें चलाना तो बहुत मुश्किल है गेम को, लेकिन भाई मज़ा बहुत आएगा। अपने फ़ोन पे चल रही है भाई GTA 5 यहाँ से आप देख सकते हो, और क्या चाहिए भाई देखो। तो भाई अभी इस पे फ़ोन पे चलाने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके कंट्रोल्स वगैरह जो है उन पे हाथ बैठाने में, तो लेकिन उसके बाद में गाइज यार मज़ा बहुत आएगा। उसके बाद में हम और भी गेम्स ये इस पे खेल सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया है। चलो ये वाली गाड़ी छीनते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइज इसके बटन जो है ये शायद कस्टमाइज हो जाते हैं या नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। और ये वाला बटन था, ये था जिससे गाड़ी चलती है भाई। पीछे लो भाई, मेरे पीछे पुलिस भी पड़ चुकी है, एक स्टार जो है वो हो चुका है। तो गाइज यार मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हो रहा हूँ अपने फ़ोन पे इस वाले गेम को चलाने के बाद, और भाई एकदम मज़ा आ गया। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट से, अब तो फ़ोन पे चला दिया यार GTA 5, इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओह शिट, और भाई बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। तो भाई कैसा लगी आपको ये वाली वीडियो बताना ज़रूर मुझे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यार इतनी मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइस यार लाइक सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।